इस वक्त आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं मंटू कुमार इस वक्त मैं रोहतास जिला के नोखा प्रखंड के चनका रामपुर गांव में पहुंचा हूं, जहां पर रेलवे ट्रैक के पास मैं खड़ा हूं। पता चल रहा है तो आज एक वीरेंद्र सिंह नाम का व्यक्ति जो किराना दुकानदार है, अपना दुकान का सामान लेके अपने गांव आ रहे थे, उसी क्रम में पटना से सासाराम जाने के दरमियान में ट्रेन बताया जा रहा है तो बिना हॉर्न दिए हुए, बिना सीटी दिए हुए। यहाँ पर सरकार का भी कमियाँ मैं दिखाऊंगा आपको। आइए आपको डायरेक्ट बात करूंगा कि जो व्यक्ति का इसे ट्रेन से कट कर मौत हो गया है, ये कितना दुखित व्यक्ति है, इनके बारे में आप बात करेंगे। यहाँ पर गार्ड भी नहीं है, पता चल रहा है ग्रामीण सूत्र से अनुसार से यहाँ पर गार्ड का भी व्यवस्था नहीं गया है, गार्ड भी नहीं है, इनका मौत हो चुका है। यही एक परिवार थे जो अपने बाल बच्चा को दुकान के माध्यम ले पासवान कॉलम करते थे। मैं दैनिक लाइव 24 के लिए नोखा से मंटू कुमार, थैंक यू। ये आपके गांव की बात है, कैसे घटना घटा थोड़ा सा बताइए। बराव से आज सामान लेकर जो ट्रेन पटरी कार पार कर रहे थे और उधर से ट्रेन हॉर्न भी नहीं दी। ये बार बार होता है, हॉर्न भी कभी नहीं देती, इसी तरह पार हो जाती है। और नीचे में जो है पानी भरा हुआ है पूरा, यहाँ से वहाँ तक नीचे में भी आप वीडियो कर सकते हैं। और ये पैसा लेकर सब ठेकेदार भाग गया, ये रेलवे का कमजोरी है जो ये घटना हो रहा है। ऊपर वाला भी देख लीजिएगा। क्या नाम हुआ भैया? मनीष कुमार। सब रेलवे का लापरवाही है, ठीक है। अगर यहाँ से जो नीचे पुल बना हुआ है उसमें छाती भर पानी लगा हुआ है, अगर पानी नहीं रहता, पानी नहीं तो उधर से रास्ता क्लियर रहता है, यह घटने का चांसेस नहीं है। घटना कैसे घटना पार कर रहे थे, लेकिन हॉर्न भी नहीं दिया और न यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है, ना इसी के चलते घटना हुआ है। कितने बजे करीब? लगभग 9:30 बजे। ट्रेन किधर से किधर जा रही थी? ट्रेन आरा से सासाराम की तरफ जा रही थी, उसी दरमियान। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। पिताजी का नाम? वीरेंद्र सिंह बबन सिंह। कहाँ का हुआ? आधे घंटे 20 मिनट फोटो खींचता है, चल जाता है। रिपोर्ट मैंने बांटते हैं मतलब मेरा एक पेपर में छाप दिया गया, सबसे सुंदर आदमी है। आपको उससे डर पूरा रिप्लेस कर दीजिएगा पानी वाला। हेलमेट भाई गाड़ी में हेलमेट